विजय कुमार दिवाकर, स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। एक नाबालिग बच्चे ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर जहां अपनी जिंदगी तबाह की, वहीं दो घर भी उजाड़ डाले। नाबालिग बच्चा अंधविश्वास में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे लगता था कि अगर वह 10 लोगों की बलि और चढ़ा देगा तो वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा और उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो जाएगी, लेकिन उसे मिली तो केवल सलाखें। दिल्ली, जिसे एक मेट्रो सिटी कहा जाता है, जहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके हाई प्रोफाइल सिटी में एक ऐसी घटना घटी है जिसका विश्वास कर पाना मुश्किल सा है। अंधविश्वास का दलदल इतना गहरा है कि कोई भी अगर इसमें गलती से भी गिर जाए तो उसका बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन कई लोग इस नासमझी को गले लगा ही लेते हैं और कूद पड़ते हैं इस खौफनाक दलदल में। अभी तक तो आपने यही सुना और जाना होगा कि कई लोग इस अंधविश्वास की दुनिया में घुस ही जाते हैं, लेकिन इस अंधविश्वास का शिकार अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि शिक्षित लोग भी हो जाते हैं। अशिक्षित लोगों में इस बात की रुचि सबसे अधिक होती है। किसी भी चीज को पाने, किसी भी इच्छा पूर्ति के लालच में लोग अक्सर बहक जाते हैं और कर बैठते हैं ऐसी ना समझी, जिसका पछतावा लोगों को अक्सर बाद में ही होता है। अंधविश्वास का चोला अक्सर नौजवान, बड़े, यहाँ तक कि बूढ़े भी ओढ़ लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस अंधविश्वास की नगरी में पैर रखा एक नाबालिग बच्चे ने, जिसने अंधविश्वास के चलते उठाया एक बहुत बड़ा कदम। बचपन से ही बच्चे ये सपना देखते हैं कि वो बड़े होकर पैसा कैसे कमाएं, कैसे बने अमीर। अक्सर ऐसा सपना देखने वाले बच्चे रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आज के इस युग में रात को सोते हुए देखे सपनों पर कौन यकीन करता है। हालांकि बच्चों पर सपनों का प्रभाव पड़ ही जाता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और ऐसा ही हुआ इस नाबालिग के साथ, जिसने बिना कुछ सोचे समझे ले ली एक के बाद एक जान। हम आपको बताते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर कहां से शुरू हुई। दरअसल ये पूरा वाक्य घटित हुआ नई दिल्ली में, जहां पर कुछ दिन पहले ही पुलिस तलाश कर रही थी एक ऐसे आरोपी को जिसने लगातार 2 हत्याएं की, बल्कि और लोगों की भी हत्याएं करने की फिराक में घूम रहा था। लगातार हो रही हत्याओं के आरोपी को पुलिस बड़े जोश के साथ तलाश कर रही थी। उसके बाद जो सच सबके सामने आया वो वाकई दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, पुलिस जिस मुजरिम को तलाश रही थी वो और कोई नहीं बल्कि एक नाबालिग था, जो सिर्फ एक सपने के कारण इतना अंधविश्वासी हो गया कि वो भूल गया कि वो क्या कर रहा है, और ये करके उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। दरअसल इस नाबालिग ने एक सपना देखा और उसके सपने में एक बाबा ने उसे दर्शन दिए। बाबा ने सपने में बच्चे से कहा कि तू 10 लोगों की बलि दे, तू अमीर बन जाएगा। बस यही सपना देख बच्चे के अंदर अमीर बनने का जोश चढ़ गया। फिर तो उसने बिना किसी को बताए अपने दोस्त प्रदीप, जो कि उम्र में उससे काफी बड़ा था, उसको अपने साथ शामिल कर लिया। आरोपी नाबालिग प्रदीप के साथ हरिद्वार चला गया।
जहां पहुंचकर उसने एक चाकू खरीदा जिससे कि वो लोगों की बलि दे सके। फिर क्या था, आरोपी नाबालिग ने तो अपने सपने को पूरा करने का पूरा मन बना लिया था और फिर उसने एक एक कर दो लोगों की बेरहमी से जान ले ली। ये मत सोचिए किस नाबालिग ने किसी लूटपाट के इरादे से इन वारदातों को अंजाम दिया। इस मासूम बच्चे ने भी आम बच्चों की तरह एक सपना देखा था। उस सपने को देखने के बाद इस बच्चे ने करनी शुरू कर दी हत्याओं पे हत्या। ऐसा क्या देखा था इस बच्चे ने सपना, हम दिखाते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 कड़ी नजर। खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समय रहते पुलिस ने उस नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार कर बहुत से घर उजड़ने से बचा लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस नाबालिग बच्चे ने धन दौलत पाने के लिए जो रास्ता अपनाया था क्या ये सही था? लेकिन इन सब से कहां उसे तसल्ली मिलती। दो हत्याओं को अंजाम देने के बाद वो अगली वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। दो लोगों की बलि देने के बाद अब भी 8 लोगों की बलि देना बाकी था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को इन हत्याओं के बारे में मालूम पड़ गया। गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को निहाल विहार के एक खाली प्लॉट पर पुलिस को एक युवक का शव मिला जिसकी चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। पुलिस ने छानबीन में पाया कि युवक के पास से कोई भी सामान गायब नहीं था। युवक की पहचान निहाल विहार निवासी कन्हैया के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान उसके परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। पुलिस की छानबीन जारी थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर हत्या के 2 दिन बाद ही इसी इलाके में कनरौलापुरा रायबरेली निवासी 40 वर्षीय हरी राम का भी शव लहूलुहान अवस्था में पाया गया और उसकी भी उसी तरह चाकू मारकर हत्या की गई थी। पुलिस के लिए ये मामला पेचीदा हो गया। दोनों मामले की जांच में पता चला कि दोनों ही शराब पीने के आदि थे। पुलिस ने अपने छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने इलाके में बदमाशों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की और इसी दौरान पुलिस को एक नाबालिग के बारे में पता चला। पुलिस ने उसे तुरंत ही हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ी पूछताछ के बाद नाबालिग ने मुंह खोला और अपना जुर्म कबूला। पूछताछ में उसने सारी बातों का खुलासा किया और पुलिस को सब सच सच बता दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने हत्या में मदद करने वाले नाबालिग के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि नाबालिग 8-10 हत्या करने के फिराक में था। मामला सुलझने के बाद पुलिस ने नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर जबकि उसके दोस्त और पेशे से ड्राइवर प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिर्फ एक सपने के बिना पर इस नाबालिग ने जुर्म के रंग से खुद को रंग दिया। इस अजीबोगरीब वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्सर बड़े बूढ़ों ने सिखाया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें पंख देने की जरूरत होती है,
लेकिन इस सपने को पूरा करना क्या वाकई जरूरी था? ऐसे बहुत से सवाल सामने आ खड़े होते हैं जिनका जवाब दे पाना शायद ही आसान हो। आपने सुना ही होगा, बच्चे अक्सर बड़ों को ही देख सब सीखते हैं, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत। नाबालिग पर भी कहीं ना कहीं ऐसी ही किसी बात का असर हुआ जिससे वो अंधविश्वास में भरोसा करने को मजबूर हो गया। सपने देखना बुरी बात नहीं है, उन्हीं सपनों के पीछे भागना चाहिए जो आपको नेक इंसान और सही रास्ते पे लेके जाएं, ना कि उन सपनों के पीछे आप भागो जो आपको गलत और दलदल के रास्ते में लेके जाएं। और हाँ दोस्तों, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। अंधविश्वास करने वाला व्यक्ति जहाँ एक तरफ अपनी जिंदगी तबाह करता है, उसके साथ साथ कई जिंदगियां और तबाह हो जाती हैं। सर्दी के बढ़ते ही चोरों का आतंक भी बढ़ने लगा है। इस तरह के मामले उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार इलाके में अधिकतर हो रहे हैं। लोगों को चोरों से बहुत भय लगने लगा है। ताजा मामला बीती रात सबोली का है, जहां चोरों ने एक पंसारी की दुकान से हजारों रुपए का सामान उड़ा दिया। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इस शख्स को देखिए, ये दुकान में चोरी के लिए रेकी कर रहा है। बाथरूम के बहाने ये पूरी दुकान पर नजर घुमा रहा है। लेकिन जनाब ये भूल गए कि सीसीटीवी ने इनके सारे गिरोह को कैद कर लिया। यहाँ तक कि जिस ऑटो में ये आए वो भी कैद हो गया। चोरों ने अपना दिमाग बहुत लगाया और हिम्मत भी नहीं हारी। सीसीटीवी कैमरे में देखने के बाद भी चोर दुकान का शटर तोड़ अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखिए किस तरह से ये चोर दुकान से सामान बोरे में भर रहा है। ये क्या, इसको यहाँ भी कैमरा दिखाई दे गया। अब देखिए जनाब ने किस तरह चोरी करने के लिए मुंह को किसी से छुपा लिया और टॉर्च के सहारे सामान तलाश कर भर लिया। अब इस तस्वीर को देखिए, ये क्या, सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन अपने आप कैसे बदल गई? क्या कोई भूत है? इतनी रात में आखिर कौन है जो इस कैमरे को इधर उधर कर रहा है? घबराइए मत, हम आपको बता रहे हैं ये जनाब वही चोर हैं जो कुछ देर पहले यहाँ बाथरूम कर रहा था। सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद चोर ने क्रिकेट बैट के सहारे इस कैमरे की लोकेशन बदल दी ताकि इनको कोई देख ना ले। पीड़ित की माने तो करीब 90,000 तक का सामान चोरी हुआ है, जैसे नोटों की माला, महंगे पीतल की भगवान की मूर्तियां और भी बहुत कुछ। लगभग 2 बजे के आसपास कुछ लोग ऑटो में तो कुछ पैदल हैं, तो पूरा बकायदा ले गए थे यहाँ से। उसके बाद इन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया, उसके बाद में 2 लड़के आए और 2 लड़कों ने शटर उठाया ऊपर बीच में से बिना ताले तोड़े, और कुछ हमारे कैमरे के साथ फुटेज के साथ छिड़काव भी इनके साथ है। इसमें से कुछ कैश लेके गए, कुछ सहारा। इलाके के लोगों की बात करें तो चोरी की कोई ये पहली वारदात नहीं है, इस तरह की वारदातें अक्सर होती रही है। एक ही रात में चोरों ने 3 अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया है। इससे पहले भी कई वारदातें हो गई मगर पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती, मामला दर्ज कर कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल देती है। चोरों के हौसले इसी तरह बुलंद होते जा रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम साहब सिंह है सर। इससे 2 महीने पहले भी चोरी हुई है दूसरी दुकान में, सामने ही नहीं की दुकान में जो है, और उसमें कुछ कैश ले गए हैं, सामान ले गए हैं। दुकान के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद और चोरों को दिखाई देने के बाद भी चोरों ने अपनी मुहिम जारी रखी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इससे ये साफ हो गया कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे से भी नहीं घबरा रहे। अब देखना होगा कि क्या लोग इसी तरह चोरों के निशाने बनते रहेंगे या फिर
सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस चोरों को पकड़ इलाके के लोगों को चोरी की वारदातों से निजात दिलाएगी या नहीं। सनसनी ऑफ इंडिया के लिए दिल्ली ब्यूरो से मधुरेश की रिपोर्ट। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए जिंदगी महक जाए। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर के मुल्ला कॉलोनी में दिन में करीब 2 बजे सफेद रंग की सेंट्रो कार सवार ने चमेली को अगवा कर लिया। ठीक इसी जगह से 2 दिन पहले कल्लो और गुलिस्ता को किसी ने चंपत कर दिया था। चमेली की दोनों बच्ची शर्मीली और बबली का अपनी माँ से अलग होने के गम में रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली के गाजीपुर थाने में पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर चमेली की तलाश में जुट गई है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना में अजीब सा मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। चमेली, कल्लो, गुलिस्ता, शर्मीली और बबली, ये सभी नाम किसी महिला का नहीं बल्कि बकरी का है। जी हाँ, गाजीपुर की रहने वाली मुन्नी रानी अपनी बकरी से बेहद प्यार करती है और इनको इंसानों का नाम देती है। मुन्नी रानी की 3 बकरी को किसी ने चुरा लिया। चोर सफेद रंग की कार से आए थे और एक दिन कल्लो और गुलिस्ता नाम की बकरी की चोरी कर फरार हो गए। फिर चमेली की भी चोरी उसी सेंट्रो कार से की गई, जिसकी शिकायत मुन्नी रानी ने गाजीपुर थाने में की है और साथ ही चमेली को खोजने को 5,000 का इनाम भी देने की घोषणा की है। वही मुन्नी का कहना है कि शर्मीली और बबली दोनों का अपनी माँ चमेली के बिना रो रो कर बुरा हाल है। छह महीने पहले मेरी बकरी को लेके गए थे, चमेली नाम है उसका और एक रुस्तम नाम। तो अब फिर उन्होंने, फिर अब 4 महीने बाद उन्होंने फिर ये कांड कर दिया। मेरी बकरी कल्लो नाम था मेरी बकरी का और काले रंग की बकरी है, और उसको आए, गाड़ी लगाई पास में और गाड़ी उसे जो है खींच लिया अंदर गाड़ी। बकरी चोरी हो गई थी, कार लगा के बकरी ले गए। बकरी का चमेली कल्लो कल्लो नाम है वो। कहीं डर तो कहीं दर्द,
कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर का ताला तोड़कर लाखों का कीमती लैपटॉप समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान पर किया हाथ साफ। चोर हैंड ग्लव्स लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे गया, लेकिन ऊपर वाला सीसीटीवी कैमरा सब देख रहा था। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर की दुकान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया और लाखों का माल लेकर चंपत हो गए। दुकान मालिक का कहना है कि घटना का पता उसे सुबह में लगा जब दुकान का शटर टूटा हुआ मिला। दुकान के अंदर से कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान और 25 लैपटॉप गायब थे, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारा एपेक्स टेक्नोलॉजी AMC का काम होता है, हमारा सर्विस का। यहाँ पे करीब 20 से 22 लैपटॉप थे और CPU, फैन, हार्ड डिस्क, एडेप्टर वगैरह सारा, जो चोरी हो गया रात को करीब 12-10 के आसपास, जो CCTV फुटेज में टाइमिंग आ रहा है। ये लगभग 10 लाख रुपए का है। शटर में ताला काट के, एक ताला तोड़ के, एक काट के। रात के 12 बजे के करीब की बात है ये, जो कि हमारे यहाँ पे लैपटॉप वगैरह होते थे करीब करीब 25 के करीब, 20 से 25 के करीब लैपटॉप होते थे जो कि यहाँ पे रखे रहते थे। और भी कई सारे सामान थे, और भी कई सारे सामान थे यहाँ पे रखे थे, वो भी गायब हो गए। बैग में एक एक करके भर रहे हैं, पूरा CCTV कैमरे में आ रहा है। पुलिस कंप्लेंट तो अभी कराई है, पुलिस वाले आए थे, जो कि FIR अभी हुई नहीं है। दुकान से लाखों का माल गायब करते जिसे किसी ने नहीं देखा, उसे ऊपर वाला देख रहा था, यानी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोर इतने शातिर थे कि हाथ का निशान ना हो, इसलिए हैंड ग्लव्स लगाकर चोरी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने सब देख लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं
सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। दिल्ली के NH24 अक्षरधाम के पास वैगन आर और स्विफ्ट कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। NH24 इसी कारण पूरा जाम हुआ है। बताया जा रहा है कि एक की मौत हो चुकी है और दो गंभीर रूप से घायल हैं। घायल को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों कार के पर कच्चे उड़ चुके हैं। कई किलोमीटर तक इसी कारण लंबा जाम भी रहा। पूर्वी दिल्ली के NH24 के अक्षरधाम के पास दो कार के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। बताया जा रहा है वैगनार कार अक्षरधाम से मयूर विहार की तरफ जा रही थी, जिसे सुखपाल, जिसकी उम्र 75 साल है और कार चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। उधर मयूर विहार से नोएडा की तरफ जा रहा स्विफ्ट कार, जिसमें एक महिला अपने दोस्त के साथ जा रही थी। बताया जा रहा है कि महिला तेज रफ्तार से कार चला रही थी। स्विफ्ट कार के पास से एक सेंट्रो कार गुजरा और स्विफ्ट कार चालक महिला अपनी कार का संतुलन खो बैठी और डिवाइडर पर अपनी कार चढ़ा दी। और उधर से बुजुर्ग सुखपाल सिंह अपने ही वैगनार कार से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी स्विफ्ट कार ने उस वैगनार कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि दोनों कार के परखच्चे उड़ गए और कार की हालत आप देख सकते हैं। जिस तरह से दुर्घटना हुआ है, साफ है कि घटना कितनी भयानक होगी। उधर घटना के बाद NH24 पूरा जाम रहा और जब तक वहां आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते, तब तक एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। साफ है घटना के बाद पूरा NH24 जाम है। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पास के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को बालाजी मैक्स अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने स्विफ्ट कार के महिला चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। बैलेंस निकलने चक्कर में उससे ड्राइवर से टकरा गए और वापस से गिर गए। सारे दो लोग घायल हैं, मतलब ड्राइवर दो के मतलब तुम घायल हैं। सामने से गाड़ी आई थी तेजर पर वैन इंडिका और ड्राइवर पकड़ टकरा गई इधर जाके, मतलब अनबैलेंस बिगड़ा उसका, इस कारण उसका बैलेंस सब हो गया, जो गाड़ी जाके आपस में टकरा गई। मतलब मैं यहाँ देख रहा था कि एक वैगनार इस साइड से आ रही थी अपनी साइड से और वो डिसबैलेंस है और रॉन्ग साइड जाके दूसरी गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में टकराई और दोनों पलट गई और दोनों के ड्राइवर और जो बैठे थे दोनों घायल हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या अगर आपको किसी घटना की जानकारी, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।